जोहर जोहार जय बाणा दे, जोहर जोहार। सभी सगजनों को मेरी ओर से जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना। तो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हम पैन पूजक हैं या देव पूजक, जो कि हम सभी सगजनों को जानना बहुत ज़रूरी है। और मुझे विश्वास है कि वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस बात का निर्णय खुद ले पाएंगे कि देव बोलना सही है या पैन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी सगजनों से वही प्यारी सी अपील की, अगर वीडियो की जानकारी आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सगजनों तक शेयर जरूर करेंगे। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम कोई दूर ना तो आस्तिक हैं ना ही नास्तिक हैं, हम वास्तविक हैं। हमारा अडंबर बोले तो दिखावा से कोई लेना देना नहीं होता। हम उसे ही मानते हैं जो वास्तव में हैं, जिन्होंने इस जीव जगत की उत्पत्ति, विकास और उत्थान के लिए बहुत कुछ किया हो। हम उन्हें मानते हैं जिन्होंने मनुष्य कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पित किया हो। अब आते हैं वीडियो के टॉपिक पर, पैन कहना सही है या देव। तो दोनों में अंतर जानने के लिए हमें दोनों शब्दों की गहराई में जाना होगा, दोनों शब्दों के अर्थ को हमें समझना होगा। पहले हम बात करेंगे देव की। देव वास्तव में क्या है? जैसा कि मैं सुनता आ रहा हूँ कि देव वह होते हैं जो देवलोक से आकर हम इंसान का कल्याण करते हैं, तथा जब धर्म की हानि होती है, इंसान की इंसानियत को खतरा होता है, तो देव प्रकट होकर उनका नाश करते हैं। ये हो गई जानकारी देव सिस्टम को लेकर। अब हम पैन को समझते हैं कि आखिर पैन क्या होते हैं। हमारा कोया पुनेम कहता है कि हम कोई तूर अपनी माँ की कोख से जन्म लेते हैं, अर्थात हम अपने माँ बाप के रहमो कर्म से इस सृष्टि को देख पाते हैं, इस सृष्टि में आ पाते हैं। हम किसी भी तरह की अदृश्य शक्तियों से अचानक प्रकट नहीं होते हैं, अतः हम इस कारण कोई तूर कहलाते हैं। चूँकि हमने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है, इस कारण हम कोई तूर कहलाते हैं। कोया पुनेम कहता है कि जब व्यक्ति जीवित अवस्था में होता है तब वह वैन रूप में होता है, तथा मरणोपरांत वह पैन रूप में हो जाता है। पैन अर्थात शक्ति या ऊर्जा। अगर आपने ऊर्जा का सिद्धांत पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बताए दे रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है और ना ही प्रकट की जा सकती है। ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ एक से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। अतः हम इसी सिद्धांत का पालन करते हुए वैन रूप से पैन रूप हुए इंसान को कुंडा में समाहित करके फड़ाकन गोंगों के दौरान उस शक्ति को साजा के पेड़ में उस शक्ति की स्थापना कर देते हैं। हमारे लिंगों को ये बातें पता थी कि जब शक्ति नष्ट नहीं होती तो इसे एक विशेष स्थान दिया जाए, ताकि यह पैन शक्तियाँ हमारा मार्गदर्शन करें। समय खराब होने पर यही पैन शक्तियाँ हमारा साथ देंगी। और हमारे जितने भी महान शख्स हुए जिन्होंने समय समय पर जन्म लेकर हमारे लिए एक मार्ग प्रशस्त किया, उन्हें हम पैन कहते हैं। जो हमारे बीच अब नहीं है उन्हें हम पैन कहते हैं, उनकी हम सेवा करते हैं, जैसे बिमाल पैन, केशवा पैन, हिरवा पैन इत्यादि। अतः हम कह सकते हैं कि हम पैन को मानने वाले हैं, ना कि देव को, क्योंकि पैन कहने मात्र से ही हमें शक्ति का आभास होता है, हमें अंदर से ताकत मिलती है, हमें अपनेपन का एहसास होता है। एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन्हें हम पैन स्थल कहें, ना कि देव स्थल। तो साथियों, ये रहा पैन और देव को लेकर मेरा एक छोटा सा वर्णन, और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। और मुझे यह भी विश्वास है कि आज से और अभी से आप देव न भूलकर पैन बोलेंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से सेवा जोहार।